Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली मसाला। और आज हमारे साथ महाकाली के सेट पर महाकाली के कास्ट मौजूद है, पूजा हमारे साथ मौजूद है। तो पूजा सबसे पहले क्या कुछ करेंगे? और थैंक यू सो मच, आज आप हमारे सेट पे आए और आप सबने आज आके कैलाश के दर्शन किए। मैं कैलाश स्वामिनी हूँ, तो हम ही लोगों ने आपको कैलाश भ्रमण करवाया। एक्चुअली ऑडियंस के लिए करवाया कि ऑडियंस एक स्नीक पीक ले सके कि हमारा सेट कैसा है, क्या वाइब है, क्या फील है। पूजा, काफ़ी भव्य तरीके से आपकी एंट्री हुई थी महाकाली के रूप में, तो उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? एक्चुअली एंट्री अभी होनी बाकी है क्योंकि शो 22 सेकंड से आएगा, जो आपने देखा वो एक छोटा सा एवी था। तो यस, शो का नाम महाकाली है और महाकाली अपने आप में इतनी डिवाइन और अनटेम्ड फिरोशियस, उनका जो एक लुक एंड फील है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए महाकाली की एंट्री के लिए कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें प्लान हैं। सो आई टेल द ऑडियंस दैट, वेट एंड वॉच। शस्त्रों के साथ काफ़ी प्रहार करती नज़र आ रही है, तो उस पर कितना काम करना पड़ा? हाँ, उस एक डिपार्टमेंट में बहुत काम करना पड़ा क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसने शायद कभी जिम भी ज्वाइन नहीं किया और यहाँ पे हार्डकोर एक्शन करना था, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई प्रॉपर। हमारी कलाईरी भैतू की क्लासेस हुए, विच इज़ अ केरलाइट मार्शल आर्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोगों की फुल ऑन एक्शन ट्रेनिंग हुई हमारे एक्शन डायरेक्टर निशांत सर के साथ, जहाँ हमने सोर्ड फाइटिंग और वेपन हैंडलिंग सीखा और फुल हार्नेस वर्क सीखा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बैक फ्लिप्स एंड केबल वर्क करना था, तो उस सब की प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, लुक की बात करें अगर पार्वती की, तो काफ़ी डिफरेंट सा, मतलब ये ज़माने के हिसाब से थोड़ा रखा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? एक्चुअली पार्वती का लुक का ये है कि पार्वती इस प्रकृति, तो जहाँ हम यहाँ पे खड़े भी हैं वो ये दिखाने के लिए खड़े हैं कि पार्वती का बागीचा है, तो जहाँ पार्वती होती हैं वहाँ स्नो के साथ साथ कलर्स भी होते हैं। तो पार्वती की लुक बहुत सॉफ्ट है, बहुत पार्वती इज़ अ कैरेक्टर बहुत सॉफ्ट मदरली हैं, तो उनका लुक इज़ वाइट। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी कहा था कि मैं स्नो पे रहूँगी और मेरी आउटफिट भी वाइट है, सो आई वाज टोल्ड वेट फॉर इट, इट्स गोना लुक डिवाइन, वाइट ऑन वाइट, यू नो दे वांटेड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर, तो इसलिए पार्वती का फील ऐसा है। ज्वेलरी है बट कम है, मिनिमल है, एंड द एम्फेसिस इज ऑन बीइंग एलिगेंट एंड सॉफ्ट। अच्छा, इस लॉन्ग हेयर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए, कितना एंजॉय कर रही है या कितना ट्रबल दे रहा है आपके हिसाब से? देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट एनी थिंग। अगर मैं अच्छे तरीके से देखना चाहूँ तो आई थिंक हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके घने लंबे खूबसूरत बाल हों, तो आज मेरे पास हैं, बट ये एक्चुअली एक विग है, तो लॉजिस्टिकली इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज वेट काफ़ी होता है एंड देन गेट्स अ लिटिल हॉट ऑन सेट्स, तो बट अगेन नो कंप्लेनिंग, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। अच्छा, रियल लाइफ में अगर पार्वती की पूजा की बात की जाए, तो पूजा क्या कुछ कहेंगे एक इंसान से, एक मेल से गई थी मदद मांगने के लिए और उन्होंने कहा कि खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर शो, दैट्स व्हाट द चैनल इज ट्राइंग टू डू, ब्रिंग अप अ शो जिसमें एंटरटेनमेंट हो बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हो, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का है और जो कि आज की नीड ऑफ द आवर है। इट्स द कॉल ऑफ आर टाइम्स, यू नो, विद सो मच क्राइम अगेंस्ट वुमेन, विद सो मच ऑप्रेशन अगेंस्ट वुमेन, आई थिंक जो इसका मैसेज है वो एकदम करेक्ट है कि फाइट योर ओन बैटल्स, गेट अप एंड डू योर ओन वर्क। तो मैं इसके साथ टोटली रेजोनेट करती हूँ, दैट्स द वे आई हैव बीन रेज्ड, सो यस एब्सोल्युटली आई टोटली रिलेट टू द कॉन्सेप्ट। पूजा, आपको काफ़ी हमेशा माइथोलॉजिकल शोज करते हुए देखा गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मतलब इसी रोल का इंतज़ार था, इसी तरह का रोल आपको करना पसंद है? मुझे अच्छे रोल्स करना पसंद है और अगर अच्छे और चैलेंजिंग रोल्स मुझे माइथोलॉजिकल जॉनर में मिल रहे हैं तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। अच्छा, बीच में पूजा कहीं गायब हो गई थी 2015 के बाद, अब जाके आई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? मैं गायब नहीं हो गई थी, मैं यहीं थी, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर गुड रोल्स। आई थिंक कोई भी अच्छी चीज़ आने में और मिलने में और उस पर काम करने में वक्त लगता है, तो वही वक्त मुझे लगा। बट मीनवाइल एज एन एक्टर आपको अपना टैलेंट भी होन करना होता है, आपको अपने आप को लाइफ में थोड़ा फॉर्डर देना होता है, सो आई से दैट मैं 2 साल वही कर रही थी। तो सौरभ के साथ आपने पहले भी काम किया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मतलब कितना ईजी था उनके साथ, कम्फर्टेबल थे आप करने में? हाँ, सौरभ के साथ डेफिनेटली मेरी कम्फर्ट लेवल काफ़ी हाई है। हम लोगों ने पहले भी, जैसे आप जानते हैं, महाभारत में काम किया था, हम सखा सखी थे और हमारी वहाँ ट्यूनिंग अच्छी थी। वी वर्क वेरी वेल एज एक्टर्स, हमारे सीन्स रिहर्स नहीं होते हैं, वी सपोर्ट ईच अदर वेरी वेल एज एक्टर्स,
तो इट्स ऑलवेज अ डिलाइट एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी अकम्पलिश्ड एक्टर. तो सामने अगर एक अच्छा एक्टर खड़ा हो तो आपके लिए ऑटोमेटिकली बार रेज हो जाता है परफॉर्मेंस का. सो ऑलवेज अ डिलाइट टू वर्क विद सर. अच्छा, सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ तीन तीन बार काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, इस चीज़ को किस तरह से लेती है पूजा? मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन है या क्या कुछ फैंस को क्या कहना? इसे मैं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ कुमार तिवारी एंड स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने मुझे मेरा डेब्यू दिया था महाभारत, और उसके बाद उन्होंने ही मुझे इस फैंटास्टिक रोल के लिए, जिसका स्पेक्ट्रम एज आई कीप सेइंग इतना ह्यूज है, इसमें मैं पार्वती और महाकाली दोनों का रोल कर रही हूँ, इनफैक्ट बीच में और भी बहुत से किरदार करने वाली हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस मुझ में सेकेंड टाइम राउंड उन्होंने दिखाया है. तो आई जस्ट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. एंड पर्सनली मेरा ये मानना है कि महाकाली जैसा डिफिकल्ट शो और डिफिकल्ट किरदार आई डोंट थिंक मैं किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कर पाती. आई वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रस्ट. वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो कॉन्फिडेंस मुझे स्वास्तिक में. अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा शो बनाया है जिसका नाम है महाकाली अंत की आरंभ है. ये कहानी है पार्वती की, कि कैसे पार्वती अपने अंदर की महाकाली को खोजती है, तलाशती है. और कहीं ना कहीं आप सबके लिए भी है, मेल और फीमेल, आप सबके अंदर महाकाली और वो शक्ति है. सो उसे डिस्कवर कीजिए, हमारे साथ हमारी इस जर्नी से जुड़िए और अपनी उस शक्ति को डिस्कवर कीजिए एंड लर्न टू फाइट योर ओन बैटल्स. तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो जो शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, सैटरडे एंड संडे शाम 7 बजे, ओनली ऑन कलर्स.